अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ। सब लोगों का साथ मिले, प्यार मिले, यही हम लोग चाहते हैं। किसी नेता या राजनीतिक दल की जनसभा में आम तौर पर उनके समर्थक ही नजर आते हैं। ऐसी सभाओं में लगने वाली भीड़ से ये भी दिखता है कि इलाके में किस दल को कितना बड़ा समर्थन हासिल है। समर्थकों का उत्साह और नेता के चेहरे का भाव ये बताता है कि उसके दावे और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी भले ही कुछ वक्त बचा हो, लेकिन चुनावी बिसात पर नेताओं ने अपनी चाले चलना शुरू कर दिया है। बात बिहार की करें तो महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में चले गए हैं। नीतीश के इस कदम के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में जनविश्वास रैली निकाल रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ तो काफी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर जनता की अदालत में विश्वास हासिल करने आए हैं, साथ ही नीतीश कुमार के खिलाफ वादा खिलाफी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नए बिहार का सपना दिखा रहे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पुराने ख्याल का बता रहे हैं। डेढ़ साल से खामोश बैठे तेजस्वी अब अपने पुराने रंग में नजर आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी की रथ यात्रा रोकने का संकल्प ले चुके हैं। चाचा से अलग होने के बाद कांग्रेस और बाकी दलों के साथ मिलकर तेजस्वी बिहार की जनता से नीतीश कुमार के विरोध में खुलकर बोलने लगे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति का आलम अपने आप में अद्भुत है। जिस नीतीश कुमार को शिक्षक भर्ती के समय विकास पुरुष माना जा रहा था, आज वही विकास पुरुष पुराने ख्यालों के हो गए हैं। अब ऐसे में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की जनसभाओं में भीड़ तो हमेशा से रही है, लेकिन सरकार बनाने में तेजस्वी यादव थोड़े से पीछे रह जाते हैं। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या मोदी को तेजस्वी यादव अपनी सभाओं की बदौलत बिहार में रोक पाएंगे। बिहार में तेजस्वी यादव यादवों का वोट तो आसानी से ले लेते हैं, लेकिन क्या सिर्फ यादवों के वोट से बिहार में सरकार बनाई जा सकती है। ए टू जेड की बात तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इस बात को साबित नहीं करती। नीतीश कुमार भले ही तेजस्वी जितने फुर्तीले ना हो, लेकिन राजनीति में नीतीश कुमार से टक्कर लेना और नीतीश कुमार को पीछे कर देना आसान काम नहीं है। लेकिन ये सच है कि तेजस्वी की सभा में युवाओं की भीड़ बताती है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। दरअसल बिहार में सरकारी नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। राज्य में रोजगार के अन्य साधनों की कमी में युवाओं की पहली पसंद सरकारी नौकरी होती है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने पर बिहार में 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे थे। हालांकि उस दौरान नीतीश कुमार एनडीए में थे और तेजस्वी यादव के मुताबिक नीतीश कुमार 10 लाख नौकरी को असंभव बता रहे थे। तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में भी रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया था और इस बार भी उनके प्रमुख चुनावी मुद्दे में ये शामिल है। लेकिन पिछली बार की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने आरजेडी को MY के साथ बाप का दल बताना शुरू कर दिया है।